दोस्तों, कल मैंने आप लोगों के साथ बॉलीवुड फिल्म शोले के इंडिया के कलेक्शन के अपडेट शेयर किए थे, लेकिन इंडिया से बाहर के अपडेट्स जो होते हैं ओवरसीज के, वो अपडेट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए थे। तो अब मैं आप लोगों के साथ फिल्म शोले के इंडिया के कलेक्शन के अपडेट तो शेयर करूंगा ही, साथ ही इंडिया से बाहर के अपडेट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। साथ ही ये भी बताता हूं कि अभी तक कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली इंडियन फिल्म है, एक तो दंगल है और दूसरी बाहुबली 2, लेकिन कैसे आपको बताते हैं कि शोले ने इन दोनों को पछाड़ कर इनसे भी आगे निकल चुकी है। चलिए बात करते हैं शुरुआत से। तो फिल्म शोले जो रिलीज हुई थी 15 अगस्त 1975 को, और ये एक बॉलीवुड एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसको 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी गई थी, यानी फिल्म को रेटिंग और रिव्यूज बहुत ही अच्छे मिले थे। अब शोले जो है, इसकी जो ड्यूरेशन है यानी जो रनिंग टाइम है वो है 198 मिनट का, यानी 3 घंटा 18 मिनट फिल्म का ड्यूरेशन है। और फिल्म को डायरेक्ट किया था रमेश सिप्पी ने, प्रोड्यूस किया है जीपी सिप्पी ने, फिल्म के राइटर है सलीम और जावेद की जोड़ी, यानी सलीम खान जी और जावेद अख्तर जी। कास्ट की बात करें तो इसमें धर्मेंद्र जी, संजीव कुमार, महानायक अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जया बच्चन और अमजद खान लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। और शोले जो फिल्म है, ये वन ऑफ द बेस्ट इंडियन फिल्म मानी गई थी। 2014 में शोले फिल्म का 3D फॉर्मेट रिलीज किया गया था जनवरी के महीने में। बात कर लेते हैं कलेक्शंस की, जो कि मेन पॉइंट है। तो फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो था 15 करोड़ का, इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था, अब ग्रॉस कलेक्शन यानी जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है, इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 35 करोड़ का, इंडिया से बाहर यानी ओवरसीज मार्केट में 15 करोड़ 28 लाख रुपए की कलेक्शन की थी, 15 करोड़ 28 लाख रुपीज की। और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का जो लाइफ टाइम टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था वो था 50 करोड़ 28 लाख रुपए का, 50 करोड़ 28 लाख रुपीज का। फिल्म का बजट था 3 करोड़ का। अब जो फिल्म का बजट था उस हिसाब से हम वर्डिट की बात करें यानी हिट और फ्लॉप की, तो आप सब जानते हैं कि फिल्म शोले बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म की जो ऑफिशियल वर्डिट थी वो थी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की। और ये जो फिल्म है, ये 1975 की बॉलीवुड की कहे या इंडिया की कहे, फर्स्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी। अब बताते हैं कि कैसे शोले जो है वो दंगल और बाहुबली 2 से बहुत आगे निकल चुकी है। अब क्या होता है, जो भी मूवीज होती हैं उनकी हर साल के हिसाब से जो भी वैल्यू होती है पैसों की, उसको हर साल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया जाता है। लाइक अगर शोले की जो कलेक्शन था 1975 में 50 करोड़ 28 लाख रुपए का, उस वैल्यू को 2017 में कन्वर्ट किया गया। अगर मतलब ये था कि अगर 1975 में ये वैल्यू है तो 2017 में उसकी क्या वैल्यू होगी, यानी जो 50 करोड़ 28 लाख रुपए 1975 के हिसाब से था, उसकी वैल्यू 2017 में लगाई गई थी 26 बिलियन की, यानी 2600 करोड़ रुपए की, 2600 करोड़ रुपए की। वहीं पर अगर मैं दंगल की बात करूं तो दंगल का जो टोटल कलेक्शन था वो लगभग था 2300 करोड़ के आसपास का। वहीं पर अगर मैं बाहुबली 2 की बात करूं, उसका जो टोटल कलेक्शन था लगभग था 1800 करोड़ के आसपास। अब देख लीजिए 1800 करोड़, उसके अलावा दंगल का है 2300 करोड़ लगभग, और जो है शोले इसका जो है कलेक्शन है लगभग 2600 करोड़। अब सोच सकते हैं कि ये फिल्म जो है शोले कितनी ज़्यादा आगे निकल चुकी है, इंडिया की फर्स्ट फिल्म बन चुकी है, मतलब काफ़ी पहले से ही बन चुकी है, मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब ये हो गए कलेक्शंस की बात, वर्डिट की बात। फिल्म के अंदर टोटल 6 गाने थे, सभी गानों को कंपोज किया था आर.डी. बर्मन जी ने, गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। सिंगर्स की बात करें तो गाने गाए थे किशोर कुमार जी, लता मंगेशकर जी, मन्ना दे, और साथ ही आर.डी. बर्मन जी ने भी एक गाना गाया था। अब बात करते हैं शोले फिल्म की खास बात। अब शोले जो फिल्म है, जब ये रिलीज हुई थी इसको बहुत ही खतरनाक रिस्पांस मिला था, यानी फिल्म को बिल्कुल भी सही रिस्पांस नहीं दिया गया था। फिल्म को बहुत ही नेगेटिव रिस्पांस मिल रहा था क्योंकि ऑडियंस जो है वो फिल्म देखने आ ही नहीं रही थी। अब क्या हुआ, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने सोचा कि फिल्म नहीं चल रही तो हम क्या करते हैं, फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसको चेंज कर देते हैं, क्या पता फिल्म चल जाए। लेकिन जैसे ही फिल्म का 3रा हफ्ता स्टार्ट हुआ, तो अब जो क्रिटिक्स हैं, जो ऑडियंस हैं, जिन्होंने फिल्म देखी, उनकी जुबान पर शोले के डायलॉग आने लग गए। वो जहां पर भी जाते हैं, जिससे मिलते हैं, जिससे बात करते हैं, शोले के डायलॉग के बारे में बात करते हैं। अब डायलॉग बोलते बोलते, डायलॉग सुनते सुनते जो भी बाकी लोग हैं उनके मन में क्रेज आने लगा, उनके दिमाग में क्रेज आने लगा कि भाई डायलॉग तो बहुत मस्त है, क्यों ना हम भी जाके फिल्म देखे। अब फिर क्या हुआ, 3रे हफ्ते से फिल्म के जो भी शोज हैं वहां पे ऑडियंस आने लगी, लगातार शोज जो है हाउसफुल होने लग गए, और फाइनली हमारी देश की जनता ने
फिल्म शोले को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बना दिया था। और शोले जो है इसने कई सारे रिकॉर्ड भी बनाए हैं। कई जगह तो शोले जो है कुछ कुछ थिएटर्स में लगातार 25 हफ्तों तक दिखाई गई थी, कई कई थिएटर्स में लगातार 50 हफ्तों तक दिखाई गई थी। और मुंबई के एक थिएटर में तो शोले को लगातार 5 साल तक दिखाया गया था, 5 साल तक। और शोले ने रिकॉर्ड तोड़ा था, एक बॉलीवुड फिल्म आई थी मुगले आजम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मुगले आजम जो लगातार चली थी वो चली थी 3 साल तक। शोले ने मुगले आजम का रिकॉर्ड तोड़ा था लगातार 5 साल तक बॉक्स ऑफिस पर चलाकर। लेकिन अब शोले का भी रिकॉर्ड तोड़ा शाहरुख खान की फिल्म DDLJ ने, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जैसे ही DDLJ ने अपने 286 हफ्ते लगातार बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट किए, 286 वीक्स, वैसे ही शोले का रिकॉर्ड टूट चुका था। और DDLJ जो फिल्म है वो लगातार बॉक्स ऑफिस पर मतलब मुंबई के एक थिएटर पर 19 साल तक चली थी। 19 साल यानी 1009 हफ्ते तक फिल्म को लगातार दिखाया गया था मुंबई के एक थिएटर में, जिसका नाम था मराठा मंदिर थिएटर। शोले चली 5 साल, DDLJ चली 19 साल और मुगले आजम चली 3 साल। अब ये हो गए रिकॉर्ड्स वगैरह की बात। अब चलिए बात करते हैं फिल्म में जो कास्ट के रोल है। अमिताभ बच्चन का फिल्म में नाम होता है जय, धर्मेंद्र जी का नाम होता है वीरू, उसके अलावा इसमें जो है संजीव कुमार उनका नाम होता है ठाकुर बलदेव सिंह, हेमा मालिनी जी का नाम होता है बसंती, और जो है अमजद खान उनका रोल का नाम होता है गब्बर सिंह, जो कि फिल्म का मेन पार्ट है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।